ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th सर्कल। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपको पढ़ाया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस, उसके एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, गॉट इट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल, सबसे पहले तो आप लोगों ने सर्कल तो छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, सर्कल को एक्चुअल में क्या हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में एक सर्कल मतलब एक गोल शेप वाला जो हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं, यानी कि अपनी कॉपी में जब हम ड्रॉ करते हैं तो बोल सकते हैं कि वो सर्कल जो गोल शेप होता है उसी को हम सर्कल बोलते हैं। बट एक्चुअल में उसकी मैथमेटिक्स में डेफिनेशन क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो लाइन, ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में छोटे 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 पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किन किन से, किन छोटे 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 क्या होती है पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स से ही क्या होती है ये लाइन ड्रॉ की जाती है छोटे छोटे पॉइंट्स से। तो अब ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि जब हम इन पॉइंट्स को सभी को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन का फॉर्म हमको मिलता है। सेम एज हम सर्कल की एक बात करें तो सर्कल भी क्या होता है एक्चुअल में, ध्यान से सुनो कि सर्कल भी एक फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं, एक कांस्टेंट पॉइंट हमने लिया, उस कांस्टेंट पॉइंट से, उस कांस्टेंट पॉइंट से एक एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से हम एक कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हम डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, डिस्टेंस हमारी वही रहेगी। तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं हमने, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर ड्रॉ किए गए हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हमने यहाँ ड्रॉ किए, अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को मिला दूँ तो जो फिगर हमको मिलेगी, जो फिगर हमको मिलेगी उसी फिगर को मैं क्या बोलूँगा, सर्कल बोलूँगा। क्या बोलूँगा, सर्कल। ठीक है, तो हम लोग इस फिगर के बेस पर हम सर्कल की डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि एक्चुअल में सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, सर्कल क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स जो थे एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर लिए गए थे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स, यही सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर लिए गए थे। ठीक है, और उन सारे पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया, ठीक है, ज्वाइन किया, तो मुझे एक शेप मिला जिसको मैं क्या बोलूँगा, सर्कल बोलूँगा। ठीक है, बस यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है उसी को मैं आपको बोलता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, किसी भी एक प्लेन में क्या है एक्चुअल में, कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब ये सारे पॉइंट्स कैसे थे, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि ये सारे पॉइंट्स कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कि क्या है, सर्कल का सेंटर। तो उस फॉर्म अ फिक्स्ड पॉइंट्स, गॉट इट। आपके मैथमेटिक्स की डेफिनेशन होती है सर्कल के एक्चुअल में डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल में सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ठीक, व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्कल, गॉट इट, डेफिनेशन। अब जब हम एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, लेट मी नो फर्स्ट, तो हमारे 10th में कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सर्कल का लाइन के साथ क्या रिलेशन होता है वो अब हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैंने सपोज दिस इज सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास ओ है। तो अब सर्कल है जिसका सेंटर अगर मेरे पास ओ है, ठीक है, और मैं इसी सर्कल के पास में एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन का नाम P और इसका नाम मैं Q बोल देता हूँ, PQ अगर मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, फर्स्टली आई हैव ड्रॉ द सर्कल एंड आई हैव ड्रॉन द लाइन, ठीक है, नियर द सर्कल, बट देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन दैट टाइप ऑफ फिगर, गॉट इट।
एक ही फिगर हो गई। नेक्स्ट फिगर में अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है, जिसका सेंटर मेरे पास ओ होता है, और एक लाइन में ऐसी ड्रॉ करता हूँ जो सर्कल को काटती हुई जाएगी, ठीक है, और दूसरी एक और फिगर लेता हूँ जिसमें क्या होता है कि एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी, ठीक है। तो अगर हम तीनों फिगर्स को अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो अगर हम तीनों फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर इस वाली लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्कल के जो पॉइंट्स थे और लाइन के जो पॉइंट हैं उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि लाइन का पॉइंट और सर्कल का पॉइंट में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब वी कैन से दैट इट इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। गॉट इट? ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इससे सर्कल और लाइन का कोई रिलेशन नहीं बनने वाला। बट अगर हम नेक्स्ट फिगर की बात करें जो कि यहाँ है, तो अगर मैंने एक सर्कल लिया है और उस सर्कल को ये लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है, तो इस सर्कल को दो पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज दैट एंड सेकंड पार्ट दिस। गॉट इट? तो अब इस पार्ट को जब इस वाली लाइन ने अगर डिवाइड किया है, तो आप लोग इसको ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर मुझे दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट ये रहा और दूसरा कॉमन पॉइंट ये रहा, ठीक है। मतलब अगर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है सर्कल पे, तो मुझे दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, तो फर्स्ट वन कॉमन पॉइंट इज दैट एंड सेकंड वन कॉमन पॉइंट इज दैट। तो जहाँ पर भी मुझे दो कॉमन पॉइंट मिलते हैं, मैं उस वाली लाइन को क्या बोलता हूँ, सीकेंट बोलता हूँ। क्या बोलूँगा? सीकेंट। तो इस वाले केस में ये जो लाइन होगी ये होगी सीकेंट, ठीक है, क्या होगी? सीकेंट। Got it? All the student? ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि secant actual में क्या है, तो there is a two common point, ठीक है, between the line and the circle, ठीक है, तो the line is called the secant. Got it? तो secant. अब एक चीज़ और सुनो कि इस secant ने क्या किया है? इस secant ने इस circle को दो part में divide कर दिया। इस secant ने क्या किया? Actual में circle को दो part में divide किया। एक तो ऊपर वाला पार्ट, ये मेरा ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक मेरा ये वाला हिस्सा, ठीक। तो ये दो पार्ट, तो ये एक तो छोटा वाला हो गया और ये बड़ा वाला हो गया। तो ये जो पार्ट्स होते हैं उनको सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है। कि जो सिकेंट ने सर्कल के दो हिस्से किए हैं उन दो पार्ट्स का नाम है सेगमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर तो ये मेरा मेजर सेगमेंट हो गया और ना, क्योंकि बड़ा वाला पार्ट है, और छोटा वाला जो हो गया ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है, क्या हो गया? माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको सेगमेंट भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। किससे बनते हैं सेगमेंट्स? सीकेंट से बनते हैं। किससे बनते हैं? सीकेंट से। नेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सर्कल को और इस लाइन को अगर देखोगे तो आपको एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट। और उसी कॉमन पॉइंट यानी कि लाइन और सर्कल के बीच में जब भी एक कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलेगी, एक पॉइंट पर टच करते हुए अगर निकलेगी, तो उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। इसी लाइन को मैं क्या बोलता हूँ? टेंजेंट, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंजेंट। गॉट इट? टेंजेंट, ठीक है ना। मतलब कि सर्कल और लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करते हुए निकलती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट होती है जो कि वो क्या होती है? लाइन होती है। दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, जो कि सर्कल को क्या कर रही है? एक्चुअल में तो टच कर रही है, लेकिन हम इंटरसेक्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती हुई जाए, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। दो पॉइंट पर अगर निकलेगी, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो वी विल कॉल इट सीकेंट। गॉट इट? ठीक है। तो ये समझ में आ गया टेंजेंट, ठीक है। तो अब एक और नेक्स्ट है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब कि सर्कल और लाइन, ठीक है, ये लाइन, इन दोनों का जो भी कॉमन पॉइंट होगा, टेंजेंट और सर्कल का, टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होगा, उसी कॉमन पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलने वाले? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जहां पर टेंजेंट यानी कि लाइन और सर्कल एक दूसरे से मीट होंगे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। गॉट इट? ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। बट इट, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो 10.1 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम का यूज हम 10.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअल में थ्योरम क्या बोलती है, देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, फर्स्टली इफ आई विल ड्रॉ अ सर्कल, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ करिए, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अगर मैं किसी भी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये रहा कोई भी एक पॉइंट ऑफ अ सर्कल, इज परपेंडिकुलर, मतलब ये टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, टू द रेडियस, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं सर्कल का सेंटर को लेता हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मीट करने वाली जो लाइन होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है, जो मैं रेडियस होगी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मीट करने वाली जो लाइन होगी, जो कि सेंटर से होकर के अगर जाएगी, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज, इट मीन्स दे विल क्रिएट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल, गॉट इट, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये थ्योरम बोल रही है 10.1। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्या बोल रही है कि अगर किसी पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, तो टेंजेंट क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हम अगर सेंटर से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो वो रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वी कैन से डैट कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, गॉट इट, अगली बात समझ में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये थ्योरम थी हमारी 10.1, इसमें हमारा इतना ही बेसिक है। अब हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, 10.1 पर। सो स्टूडेंट्स देखो, मैंने 10.1 के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है ना, हम लोग 10.1 आज खत्म कर लेंगे इस वीडियो में, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव अ सर्कल, कैन अ सर्कल हैव, ठीक है ना, मतलब कि टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, तो मैंने बोला था कि जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन जाएगी, जो लाइन पास होगी, उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, सर्कल जो है वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है, यानी कि हम पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट से अगर सर्कल मिलकर बनता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो लाइन है वो इन्फिनिटी ही पॉइंट से निकल के जाए, कितने पॉइंट से, इन्फिनिटी पॉइंट से निकल के जाए, तो एक सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट मी राइट द आंसर, दिस क्वेश्चन इज इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। हम इसका रीजन क्या दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ सर्कल इज मेड अप ऑफ द इंफिनिटी ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि सर्कल एक इंफिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलकर बनता है, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इज इंफिनिटी, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिल द ब्लैंक्स पर, ठीक है, देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट यानी कि एक सर्कल को जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। देखो, एक अभी इसके पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, जो भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट अगर करेगी तो उसी को मैं टेंजेंट बोलूंगा। अगर एक पॉइंट से ज्यादा पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो द लाइन इज कॉल्ड द सीकेंट ओनली, बट इन दिस क्वेश्चन
Particularly, the name of the line is tangent. So, the tangent will intersect the circle at only one point. Got it? Chalo, next. A line intersecting a circle in two points. अगर किसी सर्कल को एक लाइन ने दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मान लो ये दो पॉइंट पर, फर्स्ट वन पॉइंट इज दैट एंड द सेकंड वन इज दैट, ठीक है, द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू पॉइंट्स. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस what is the name of this line, we can say that it is a secant because of the line intersect the circle at the two point. इस लाइन ने सिर्फ टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो जो भी इंटरसेक्टिंग का सर्कल इन टू पॉइंट्स उसको हम क्या बोलते हैं, secant बोलते हैं. That's why I can write it secant here. Got it? I hope आप लोगों को समझ में आता है. Next, a circle can have पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, का मतलब बहुत सारी, कितनी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो मैं अगर एक टेंजेंट भी यहाँ अगर ड्रॉ करता हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कि इस टेंजेंट के पैरेलल में कितनी और टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट नहीं होगी, और सर्कल के इधर कहीं भी ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, लेकिन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो सीकेंट बन जाएगी. तो मेरा एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ पर कितनी, यहाँ पर किस वाले पॉइंट पर उसको ड्रॉ करूँ, ठीक है. तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट्स एट मोस्ट. सबसे ज़्यादा मैं दो ही टेंजेंट जो कि पैरेलल होंगी एक दूसरे के, उतनी ही टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. कितनी? टू. ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल, यानी कि यहाँ लिखूंगा टू पैरेलल, ठीक है. तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है. चलो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं. अगर ये टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ की है और ये कॉमन पॉइंट है, ये यहाँ पर भी अगर कॉमन पॉइंट है, तो वी कैन से दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिससे सर्कल क्या होता है, टेंजेंट से जुड़ा हुआ है, उसे को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है. आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ टेंजेंट PQ एट एनी पॉइंट P, ठीक है, एट एनी पॉइंट P ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट एट अ पॉइंट Q, सो दैट OQ इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है. लेट मी ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है. सपोज यू हैव अ सर्कल, इफ यू हैव अ सर्कल विद सेंटर O, अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है हमारा O, मान लो, ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट PQ, यानी कि PQ जो है वो टेंजेंट का नाम है, ठीक है, एट एनी पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल का जो पॉइंट है P, वहां पर एक हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है. द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले मैं एक टेंजेंट यहाँ पर अगर ड्रॉ करता हूँ, सपोज यू हैव अ टेंजेंट, ठीक है, ये रहा, ठीक है, दैट टेंजेंट PQ एट एनी पॉइंट P ऑफ अ सर्कल. अगर ये पॉइंट मेरा P है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, P है, पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. अगर मैं यहाँ पर सेंटर O को ले रहा हूँ, तो रेडियस क्या हो जाएगी मेरी, 5 सेंटीमीटर. यानी कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये मेरी रेडियस होगी, इट मीन्स आई कैन राइट द 5 सेंटीमीटर हियर बिकॉज दिस इज अ रेडियस, OP इज द रेडियस, ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, जो कि O से मिल रहा है, ठीक है, एट अ पॉइंट Q, सो दैट OQ इज इक्वल टू द OQ. अब एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर है बाहर की साइड OQ, है ना, ये
ये यहाँ पर कर लिया। ऑक्यू इज 12 सेंटीमीटर ही है, अगर मैं 12 सेंटीमीटर ही लेता, ठीक है। लेंथ पी क्यू इज, सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ पी क्यू, ठीक है। सो मुझे पता है थ्योरम 10.1 क्या बोलती है। थ्योरम 10.1, इसके पहले जस्ट मैंने बताया था कि टेंजेंट पर अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इट मींस आई कैन से दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू, गॉट इट, ओपी इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू, ठीक है। सो आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ या फिर लेंथ, किसकी पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर पता चल गया कि ये 90 डिग्री थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के अंदर, ठीक है, बाय द यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ये राइट करूंगा। सो According to the angle 90 degree, this is the hypotenuse. So I will write the OQ square is equal to what? OQ square is equal to OP square plus OPQ square here. Okay. What is the length of the OQ? OQ is the 12 centimeter. This is the diameter square. I will do the square of the 12. It means 144. So OP, it means 5, and the square of the 5 is 25 plus PQ square. See, the value of PQ is not here, so we have to find out this value. Okay. Now, if 25 will come here, so 25 is equal to, that is PQ square. Okay. 9 here and 1 and 1. Got it? So PQ is PQ square. If I will remove the square from PQ, so PQ, I will get the value of PQ is root 109. So this is a centimeter. So I will write also here centimeter. Okay? The length of the PQ is root 109. Got it? So I need the theorem 10.1, that is radius perpendicular to the tangent, ठीक है, टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मुझे ये पता नहीं होता तो हाउ कैन आई सॉल्व, ठीक है। दैट्स व्हाई थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट, गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बेहतरीन वाले क्वेश्चंस, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।